और चलिए बात करते हैं, यूपी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का दावा करती है, लेकिन इन दिनों जो तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही हैं, जो सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं थानों की वसूली के लिस्ट, कहीं अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, तो कहीं सिस्टम पर खड़े होते सवाल। ये वो तस्वीरें जो यूपी सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ सिस्टम को चूना लगाने वाले भी कम नहीं। कुछ दिनों पहले चंदौली में वायरल हुई थानों की वसूली की लिस्ट और अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर। देश में सबसे पहले पीपीई घोटाला खुलकर उत्तर प्रदेश में नजर आया, उसके बाद कोरोना जांच को लेकर जो उपकरण खरीदे गए जिनकी कीमत 2,500 रुपये थी, उन्हें 9,950 रुपये से लेकर 14,950 रुपये तक उसकी खरीद योगी सरकार ने हजारों करोड़ में उत्तर प्रदेश में करी है। बिजली विभाग का घोटाला सबको पता है। विरोधी इस मामले में सिर्फ सिस्टम पर ही नहीं बल्कि सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार जो पोल खोला जा रहा है वो अधिकारियों द्वारा ही खोला जा रहा है, और अधिकारियों की पोल, प्रशासन की पोल और सरकार की पोल कि कितना भ्रष्टाचार कितनी अपनी जड़ें गहरी कर चुका है, उसमें कौन कौन से लोग संलिप्त हैं और इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि योगी सरकार में भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। जहां से भी शिकायतें आ रही वहां ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही। हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रख रहे हैं, अगर कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है तो हम तत्काल उस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रतापगढ़ का जो विषय है, एसडीएम साहब को अगर किसी से शिकायत थी, कहीं दिक्कत थी, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उनको उच्च अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए थी, उनसे जांच के लिए मांग करनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रकार से सर्विस रूल का उल्लंघन करना ये क्षम्य नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि करप्शन के मामलों में सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही, लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में लगाम नहीं लग पा रही, लिहाजा करप्शन के मामले रोकने के लिए गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, नहीं तो सरकार सफाई देती रहेगी और विपक्ष भी बार बार सवाल खड़े करता रहेगा। रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।